हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं AMPPSC और MP से संबंधित अदर एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। देख लेना अच्छे से। पहली है सुदामा सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। ये की गई थी 2009-10 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य रहा है उत्कृष्ट विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 500 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देना प्रदान करना। इसके लिए वही छात्र पात्र होंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 54,000 से अधिक ना हो। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। इसे किया गया था 9-10 में से भी शुरू किया गया 2009-10 में। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में किस कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के समुदाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना की पात्रता के लिए छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 54,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली हमारी डॉक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। ये की गई थी 21 सितंबर 2010 से शुरू की गई। इसका प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें 12वीं की कक्षा में 80 और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये ठीक, अगली बात करते हैं। अगली है लाडली लक्ष्मी योजना। आपको बता दें इसे 2007 से शुरू किया गया था, अप्रैल 2007 से। इसके तहत 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी प्रदेश की लड़कियों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु सहायता प्रदान करने हेतु इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका लाभ लेने के लिए लड़की के माता पिता आय करदाता की श्रेणी में नहीं आते हो, मतलब आयकर नॉन क्रिमिलियर में आते हो, मतलब गरीबी रेखा में आना चाहिए। ठीक, इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका के नाम से प्रदेश सरकार लगातार 5 वर्ष तक 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात कुल राशि रुपये 30,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम से क्रय किए जाएंगे। इसका भुगतान निम्न प्रकार होगा। ठीक, बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये और कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 7,500 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 2 वर्ष के लिए 200 रुपये प्रति माह का भुगतान बालिका को किया जाएगा। बालिका की आयु के 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं में परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर शेष एक किस्त मुक्त राशि का भुगतान होगा। ठीक है, यह है लाडली लक्ष्मी योजना। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसे अप्रैल 2006 से शुरू किया गया। यह गरीब निराश्रित विधवा परित्यक्ता के विवाह हेतु सहायता है। इस योजना के अंतर्गत पति दंपति को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। अगली है हमारी मुख्यमंत्री निकाय योजना 2012 में शुरू की। मध्य प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की गरीब निराश्रित विधवा परित्यक्ता का निकाय हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के। इस योजना के अंतर्गत निकाय के वर वधु को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री निकाय योजना के तहत। अगली बात करते हैं। अगली है ज्वाली योजना। इसे 2004 से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में बेड़िया बछड़ा और सांसी जनजाति की महिलाओं बच्चों के उद्धार के लिए पुनर्वास एवं सहायता हेतु ज्वाली योजना शुरू की गई थी। अगली मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 3 सितंबर 2012 से शुरू की गई। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को धार्मिक तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा करवाने हेतु प्रावधान है। अगली बात करते हैं हम कि नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना 2012।
मालवा क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई हेतु नर्मदा जल के जल को छिप्रा जल के साथ मिलाकर जल उपलब्ध कराने हेतु इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 में शुरू की, इसके तहत विदेश की तेंदुपत्ता गैर संग्राहकों की मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु उत्साहित करना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2018 से 2008 से सॉरी। अगली बात करते हैं पंच परमेश्वर योजना, एक 11 जनवरी 2012 से शुरू की गई, इसके तहत प्रदेश में ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम पंचायतों को एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराने हेतु पंचवर परमेश्वर योजना। इस योजना के अंतर्गत 2000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण ग्राम पंचायतों को 5 लाख और 2000 से 5000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को 8 लाख एवं 5000 से 10000 जनसंख्या वाली पंचायतों को 10 लाख तक की एक मुफ्त राशि प्रदान की जाए मुफ्त। ठीक है, यह है पंच परमेश्वर योजना। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अप्रैल 2010 से शुरू की गई है, इसके तहत प्रदेश की उन गांवों में पक्की सड़क का निर्माण करना जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे गांव जो समान क्षेत्र में 500 आबादी एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी, ऐसे गांव में 12 मासी पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अगली बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना 2005, प्रदेश की युवा बेरोजगार छात्रों के लिए अनुभवी शिक्षा विधि व मार्गदर्शन द्वारा करियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। अगली बात करते हैं गांव की बेटी योजना, गांव की बेटी योजना 2005 से शुरू की गई, प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 500 प्रति माह से 10 माह तक प्रति वर्ष 5000 की छात्रवृत्ति देना पात्रता होंगे। इसके तहत छात्रा ने गांव में रहकर ही 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो, गांव की बेटी योजना 2005 से शुरू की गई। अगली बात करते हैं हम दीनदयाल रोजगार योजना, इसे 25 सितंबर 2004 से शुरू की गया, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसे 25 सितंबर 2004 से शुरू किया गया, इसके तहत बीपीएल एसटीएससी के लिए शासकीय अस्पतालों में 30,000 तक का प्रति वर्ष इलाज निःशुल्क कराना। अगली योजना है दीनदयाल ग्राम योजना, इसे भी 25 सितंबर 2004 से शुरू किया गया, इसका उद्देश्य है गांव की आधारभूत अधोसंरचना विकास हेतु हर जिले के 5-5 गाँव प्रति वर्ष चुनना। अगली बात करते हैं दीनदयाल समर्थ योजना, इसे भी 25 सितंबर 2004 से शुरू किया गया, इसका उद्देश्य रहा है प्रदेश के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाना। अगली बात करते हैं दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसे 2006 से शुरू किया गया था, इसके तहत प्रदेश के दूरस्थ तथा एसटीएससी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगली बात करते हैं प्रतिभा किरण योजना, इसे 2009 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य रहा है शहर के बीपीएल परिवारों की 12वीं कक्षा की छात्रा जिसने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हो पात्र छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी प्रतिभा किरण योजना के तहत। अगली बात करते हैं हम ऊषा, यह ऊषा किरण योजना, इसे 2006-07 से शुरू किया गया था, इसके तहत महिला एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार द्वारा योजना आरंभ की गई। ठीक है, अगली है हमारी जल अभिषेक अभियान 2006 से शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल का संरक्षण और संवर्धन करना। अगली बात करते हैं योजना की बलराम ताल योजना, इसे 25 मई 2007 से शुरू किया गया था, बलराम ताल योजना, इसके तहत प्रदेश में वर्षा से प्रभावित प्रवाह
जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर भूजल संवर्धन एवं फसलों की सिंचाई सुविधा विकसित करना। अगला है खेत, अगली योजना खेत तालाब योजना। इसे 22 मई 2007 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रहा है प्रदेश में कृषि की समग्र विकास के लिए सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना। अगली बात करते हैं जनश्री बीमा योजना 2007-08 में शुरू की। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की शहरी एवं ग्रामीण व्यक्तियों को जो मध्य प्रदेश शासन की अन्य योजनाओं जैसे आम आदमी बीमा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में सम्मिलित नहीं है, उन लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। अगली हम बात करते हैं सौभाग्यवती योजना 2012 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कन्याओं के विवाह में सहयोग देना। अगली बात करते हैं, अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना। इसे सितंबर 2006 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रहा है प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, प्रसव सुविधा हेतु 24 घंटे परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य थे। अगली हमारी मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना 1 सितंबर 2007 से शुरू की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य रहा है मध्य प्रदेश के खेतीहार मजदूरों के जीवन को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। अगली योजना हमारी भूमि शिल्प योजना, इसे 2010 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रहा है प्रदेश के सभी जिलों के सभी गाँव में मेड़ विहीन खेतों में व्यापक पैमाने पर मेड़ बंधन का कार्य करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। इसे 2008 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रहा है प्रदेश के कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े सभी लोगों को दुर्घटना होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अगली बात करते हैं, अगली योजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2012। इसका उद्देश्य है प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की स्थिति में बदलाव एवं सुधार कर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अगला फूड कूपन योजना 2012 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी रोक कर पारदर्शिता लाना। अगली योजना है रुक जाना नहीं। इसका उद्देश्य है 12वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा में असफल छात्रों को फिर से मौका देने के लिए इस योजना को लाया गया। अगली हमारी है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। इसका उद्देश्य है 12वीं में पास होने वाले विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु तो पूरी फीस माफ। अगली है दीनदयाल रसोई योजना। इसका उद्देश्य है गरीब नागरिकों को 5 रुपये तक भोजन प्रदान करना। अगली है हमारी मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका उद्देश्य रहा है गर्भवती माता और बच्चों के टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगली हमारी अंतरा योजना। इसमें बच्चों में अंतर रखने को बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों, तो हमने मध्य प्रदेश की मुख्य मुख्य योजनाएं देख ली हैं। इसे यहीं रुकते हैं।